अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। दिस इज योर सोशल स्टडीज यूनिट एंड आई एम योर टीचर मिस फरिया अली। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टुडे। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज प्रिंट मीडिया एंड व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिंट मीडिया लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। All those kind of media in which electronic technology is used is called electronic media. ठीक है, वो सारे modes of media, modes of information, modes of knowledge जिसमें electronic या electricity use हो उसको हम कहते हैं electronic media. For example, number one आपके पास है radio. Radio is the oldest form of electronic media. सबसे पहले जो media की वो form जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई थी वो था रेडियो। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन 1924। वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे और उसके बाद से रेडियो अभी तक यूज कर रहे हैं। और रेडियो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजीली अवेलेबल होता है और लोग यूज करते आए हैं अभी तक। बहुत से लोग जो शौकीन होते हैं रेडियो के वो अभी भी यूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान बनने का ऐलान भी हुआ था तो वो रेडियो जो है रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ था। और भी बहुत सारे मेमोरेबल इवेंट्स हैं जो कि रेडियो से रिलेटेड हैं। रेडियो को आमतौर से वेदर फोरकास्ट के लिए या वार्निंग देने के लिए भी यूज किया जाता है। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हो, कुछ बताना हो, कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है ना जिसे हम कहते हैं, तो वो भी आमतौर से रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जाती है क्योंकि रेडियो हर जगह अवेलेबल है, हर एरिया में इसके सिग्नल्स इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, लोग यूज कर लेते हैं इसको, इजी टू यूज होता है। तो जो वार्निंग की न्यूज होती है ना वो भी आमतौर से रेडियो से ब्रॉडकास्ट की जाती है कि तूफान आने वाला है या बारिश की कोई न्यूज होती है। इसके अलावा रेडियो में एंटरटेनमेंट की प्रोग्राम्स भी ब्रॉडकास्ट होते हैं, न्यूज हो गई इस तरह, और लोगों को एजुकेट करने के लिए भी बहुत से प्रोग्राम्स यहाँ रेडियो में। पहले हमारे रेडियो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते थे, आजकल खैर मैं तो नहीं सुनती, और मगर जहाँ तक मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो रेडियो में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते थे और लोग बहुत शौक से सुनते थे। ड्रामे भी आते थे जिसमें डायलॉग्स बहुत अच्छे होते थे और बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से भी काफी दिलचस्प प्रोग्राम आया करते थे। नेक्स्ट वी हैव टेलीविजन। टेलीविजन तो जाहिर सी बात है आजकल तो हर घर में मौजूद है, और मौजूदा दौर के मौजूदा टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो रेडियो से ज्यादा पॉपुलर टेलीविजन है। टेलीविजन ने पूरी दुनिया को समझे एक छोटा सा विलेज बना दिया है। आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं, कहीं की भी न्यूज आपको पता चल जाती है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको अमेरिका में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, आप सबको मालूम होता है। और सिर्फ मालूम नहीं होता बल्कि आप उसको देख भी सकते हैं और बाज़ औक़ात तो लाइव देख सकते हैं कि वो वहां पर कोई इवेंट प्लेस हो रहा होता है, टुक प्लेस हो रहा होता है और आप देख रहे होते हैं। तो इट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन को कहते हैं कि इसकी वजह से ही पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, इसकी हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर रेडियो की तरह टेलीविजन में भी डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, लाइक न्यूज भी आती है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट, इसके अलावा स्पोर्ट्स के चैनल बॉयज में और जेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ड्रामे होते हैं। इसके अलावा कार्टून बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम्स आते हैं जिससे लोग बहुत मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोग्राम जो